तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री रेचल जो है वो बनेंगी बिहार की उप मुख्यमंत्री। लालू यादव राबड़ी देवी को शामिल किए, उस तरह हो सकता है कि आगे भी कुछ ऐसा किया जाए। NBC पर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि राजश्री जो कि तेजस्वी यादव की धर्म पत्नी है वो बिहार की अगली डिप्टी CM हो सकती है। हो सकता है कि आज देर रात या कल सुबह वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने शपथ ग्रहण बिहार के एज ए डिप्टी CM के रूप में कर सकती हैं। हो सकता है कि भोला यादव प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है क्योंकि BJP के नेता काफी गुस्से में हैं और इस बार वो भी ठान लिए हैं कि आज आर पार की लड़ाई हो ही जाएगी। तेजस्वी यादव सरकार बनने के बाद ही उन पर फिर मामला गिरफ्तारी का आता है तो फिर नीतीश कुमार पर प्रेशर बन सकता है या फिर गठबंधन पर आफत आ सकता है। तो दूर की सोच रहे हैं, जो RJD जो है इस पर काफी फूक के कदम रख रहा है और कहें तो काफी दूर का सोचते हुए बिहार में वो लंबा प्लानिंग किए हुए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए वो राजश्री के बारे में सहमति बन सकती है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हम मौजूद हैं बिहार के लुटियंस जोन में, राजधानी पटना के लुटियंस जोन में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे राजभवन है और मेरे ठीक सामने CM हाउस है जहाँ पर तमाम जो विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के वो पहुँचे हैं, बैठक चल रही है, तमाम मंत्री भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में सरकार तो गिरनी अब तय है, यानी भाजपा जो है वो सरकार से बाहर होने वाली है, NDA गठबंधन की सरकार खत्म होने वाली है और महागठबंधन की सरकार वापस आने वाली है। इस खबर पर अब लगभग मुहर लग चुकी है, तमाम जो चैनल्स हैं वो इस पर अब खबर चला भी रहे हैं और बस कुछ ही घंटों का इंतजार है जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री उस आवास से निकल कर राजभवन जा सकते हैं और वहाँ पर अपना जो सरकार परिवर्तन का जो मामला है वो राज्यपाल के सामने रखेंगे, फागू चौहान के सामने। और आपको बता दें कि फागू चौहान जो हैं वो मौजूद हैं अपने आवास पर। ये खबर जो कल चलाई गई थी देर रात फागू चौहान पटना पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे कि डेप्यूटी CM कौन बनेगा। देखिए मुख्यमंत्री का पद लगभग तय है कि नीतीश कुमार ही संभालेंगे, लेकिन जो खबर हमारे पास आ रही है और विश्वस्त सूत्र से, जी हाँ एकदम पक्की खबर जो आ रही है वो ये है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि जो खबरें निकल कर सामने आई हैं हम इस पर मुहर नहीं लगाते हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कुछ ही घंटों में या कल तक हो सकती है कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री रेचल जो हैं वो बनेंगी बिहार की उप मुख्यमंत्री। इसकी इस खबर की क्या सच्चाई है और क्यों ऐसा स्टेप अगर तेजस्वी लेंगे तो इसके पीछे का क्या कारण होगा, क्या लगता है जी? ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसको सबसे पहले NBC पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए ऐसा हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं हमें भी विश्वास नहीं हुआ, हमें भी सुन के आश्चर्य हुआ, लेकिन जो इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि भोला यादव का प्रकरण हुआ है और BJP रिटेलिएट जरूर करेगी, बहुत हेवी रिटेलिएट करेगी और हो सकता है कि भोला यादव प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसी खबरें निकल के आ रही है क्योंकि BJP के नेता काफी गुस्से में हैं और इस बार वो भी ठान लिए हैं कि आज आर पार की लड़ाई हो ही जाएगी। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव सरकार बनने के बाद ही उन पर फिर मामला गिरफ्तारी का आता है तो फिर नीतीश कुमार पर प्रेशर बन सकता है या फिर गठबंधन पर आफत आ सकता है। तो दूर की सोच रहे हैं, जो RJD जो है इस पर काफी फूक के कदम रख रहा है और कहें तो काफी दूर का सोचते हुए बिहार में वो लंबा प्लानिंग किए हुए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए वो राजश्री के बारे में सहमति बन सकती है। ये खबर भले सुनने में अटपटा लग रहा हो लेकिन इस पर हो सकता है कि राजश्री को डिप्टी CM बना दिया जाए, नीतीश कुमार CM रहेंगे और इसके बाद BJP के लिए भी मुश्किल हो जाएगा तेजस्वी यादव पर अटैक करना। क्योंकि देखिए आप तेजस्वी यादव डायरेक्ट डिप्टी CM बनते हैं तो उन पर जो है कि BJP प्रेशर डाल सकती है। कल को भोला यादव में उन पर कोई गंभीर मामला चार्जशीट में होता है कि नहीं गिरफ्तारी करना है तो फिर सरकार जो है वो डमाडोल हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। लेकिन और ये भी है कि देखिए लालू परिवार जो है अपने परिवार के लिए फेमस है, परिवार के लोगों को सत्ता में भागीदारी दी जाती है। तो तेजस्वी यादव जैसे लालू यादव राबड़ी देवी को शामिल किए, उस तरह हो सकता है कि आगे भी कुछ ऐसा किया जाए। सरगर्मियां बढ़ चुकी है राजभवन। एक और खबर है कि राबड़ी देवी इस्तीफा दे रही हैं और उनके जगह राजश्री जाएंगी विधान परिषद। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब रिटायरमेंट का समय आ चुका है, लालू यादव भी एक तरह से कहा जाए तो रिटायर हो चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रही। राबड़ी देवी भी अब लालू यादव की सेवा में ही है, उनका भी देखा जाए तो राजनीति से ध्यान हटेगा ही, क्योंकि पति की तबीयत जब खराब रहेगी तो पत्नी स्वाभाविक है कि वो पूरा ध्यान राजनीति की तरफ नहीं देख पाएगी। नया जो पीढ़ी है, तेजस्वी यादव हैं, उनकी पत्नी हैं, उनको हो सकता है कि आगे अब RJD का कमान दिया जाए, जिस तरह लालू राबड़ी समन्वय से
एक से एक विषम परिस्थितियों को पार करते हुए भी आज सबसे बड़ी पार्टी बना कर रखने में कामयाब रहे हैं, उसी तरह इन पति पत्नी का भी जो जोड़ी जो है भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा हो, और हो सकता है जो खबर आप बता रहे हैं, जो आपके सोर्स बताए हैं, वो हो सकता है कि सही हो। बिहार में नया डिप्टी सीएम, नया चेहरा, जिसे किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एनबीसी पर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि राजश्री जो कि तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी है, वो बिहार की अगली डिप्टी सीएम हो सकती है। हो सकता है कि आज देर रात या कल सुबह वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने शपथ ग्रहण बिहार के एज ए डिप्टी सीएम के रूप में कर सकती हैं, ऐसी सूचनाएं निकल के आ रही है। अब देखने वाली बात है, शाम तक इसका क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। जी तो बिल्कुल, देखिए जुलाई 1997 का वो महीना था जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, और उस समय जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था उसी के पदचिन्ह पर चलते हुए ये खबर आ रही है कि राजश्री रेचल जो हैं, तेजस्वी यादव की पत्नी जो हैं, वो बिहार की अगली उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं अगर सरकार महागठबंधन की बनती है। ये बड़ी खबर है, और महागठबंधन की सरकार अब बनना लगभग तय हो चुका है, और हलचल जो है वो भी काफ़ी तेज हो गया है यहाँ पर एक एनएमआर के पास, सीएम हाउस के पास। तो अब ये खबर जो है वो कितनी सही है इस पर तो हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात मानकर चलिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और लालू फैमिली से एक नया चेहरा, जो नया चेहरा है वो बहुत जल्द सत्ता में दिखने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए NBC 24 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।